यस गाइज, इमेजिन मैं कहाँ पे हूँ, एंटरटेनमेंट पैराडाइज। अभी जस्ट 4:15-4:30 हुए हैं। थोड़ी देर पहले जस्ट मुझे पता चला कि आज फ्राइडे को मूवी रिलीज हो गई फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसका मैं पिछले 2.5 साल से वेट कर रहा था। हर बार ये हो रहा था कि अब रिलीज़ होने वाली है, पिछले साल भी और पिछले के पिछले साल भी कोरोना की वजह से वो डिले होती चली गई। बट जैसे ही पता चला मैं वेट नहीं कर पाया। लकीली आज ऑफिस में भी थोड़ा काम कम था, बट संभव मैनेज करके एडजस्ट करके आ गया हूँ। इतना भी टाइम नहीं था कि मैं बुक करूँ, मैं जैसे ही सुना तुरंत उठ के आ गया। हालांकि यहाँ ज़्यादा शोर नहीं है, बट फिर भी बिना माइक के आया हूँ तो थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा। लकीली ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, टिकट जल्दी मिल जाएगी मुझे। इस बीच एपी काफ़ी चेंज हो गया है, पूरा इंटीरियर चेंज हो गया है। इतने शॉर्ट टाइम में भी मैंने फटाफट ये सारा काम किया ना, कि मैंने निकलने से पहले वाइफ को ही बोला कि आप पहले पहुंचिए, फटाफट से एक बार टिकट ले लो सो पिक्चर मिस ना हो। बट इतनी जल्दी किया कि उसके बाद भी टाइम इतना बच गया कि अभी 5 मिनट हैं अभी एंटर होने के लिए। मूवी वैसे ख़त्म हो गई बट पिक्चर अभी बाकी है। मूवी में आज हमने जैसे विंटेज गाड़ियाँ देखी, फ्लैशबैक में देखा, आज वैसे ही मैं आपको कुछ गाड़ियाँ आज विंटेज की, जीप, विलीज, वो सारी दिखाऊंगा, जिसका कि आज एग्जीबिशन लगा हुआ है जवाहर कला केंद्र में। नज़ारे आपने देख ही लिए, जयपुर में अभी मौसम कितना सुहाना हो रखा है। और वहीं से ट्रैवल करते हुए जेलन मार्ग से हम लोग आ गए हैं जवाहर कला केंद्र। जो अभी पीछे देख रहे हैं आप वो एंट्रेंस है, वहां अंदर जाके हम लोग अपनी जो विंटेज विलीज और जीप्स गाड़ियां हैं वो सारी देखें। हॉल में नहीं, शायद बाहर है गाड़ियाँ सारी, हमें बाहर चलना है गाड़ी देखने के लिए। यस, बाहर लगी हुई हैं सारी गाड़ियाँ, आ गए हैं, शायद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रहा है। विक्रम मना दिख गए और लाइन से हमारी विलीज जीप भी दिख रही है। देखिए, पूरा जो लास्ट के 2 साल थे वो कोरोना की वजह से हमारे कलाकार बंधुओं को, स्पेशली जो दूसरी लहर थी उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते कदमों की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ। अब चूंकि हम खुले हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी COVID-19 की जो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल हैं उसको मेंटेन करते हुए कार्यक्रम करें। सालों से घर में बैठे हुए थे, उनको बाहर आके एक दूसरे से मिलने का, सोशलाइज करने का जो मौका मिलता है, अगर हम मास्क पहन के फिजिकल डिस्टेंसिंग रख के कार्यक्रमों को ऑब्जर्व करें तो मुझे लगता है कि हम सेफ भी रह पाएंगे और इन्जॉय भी कर पाएंगे। आर्ट एंड कल्चर की सीनियर आईएएस ऑफिसर और सेक्रेटरी हमारी मुग्धा मैम आई हुई थी। उन्होंने कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का और साथ के साथ अपने पैशन को फॉलो करने का एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, जो अभी आप लोगों ने देखा। एंड बहुत सारी गाड़ियों को उन्होंने खुद चल के देख के उसके बारे में जानकारी भी ली, बताया, और हम लोगों को उसके लिए मोटिवेट भी किया कि हम लोग अपने इस पैशन को साथ में फॉलो भी करें। ये जाना पहचाना सा मॉडल है बीटल का, बट इसको कुछ टायर के वेस्ट से, जो पुराने टायर होते हैं उससे डिज़ाइन करके, कुछ डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करके तैयार किया हुआ है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया, कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग शोपीस। गाड़ी के जो बहुत सारे पार्ट्स जो वेस्ट हो जाते हैं अंदर इंजन के, वही सारे हैं। कुछ गिरारियाज हैं, क्लच प्लेट्स हैं, ये मैग्नेट कवर हो गया, इनको सबको इकट्ठा करके बहुत तरीके से और बहुत डिज़ाइन, हालांकि ये विंटेज गाड़ी का ही है। ये हेडलाइट देख के आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सी गाड़ी का है तो मज़ा आ जाएगा। एक विंटेज मर्सिडीज़ भी आई हुई है, रनिंग कंडीशन है, कौन सा मॉडल है ये समझ नहीं आ रहा है,
ये भी प्लीज़ आप लोग बताइएगा, बिकॉज विंटेज गाड़ियों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। गाड़ियाँ भी यहाँ ज़्यादा नहीं लगाई हुई हैं, ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग 10 गाड़ियों की सिर्फ परमिशन मिली थी। फील है बस ओपन गाड़ी का, ओपन टू स्काई, कहीं भी और कैसे भी चला, रफ एंड टफ, नो मेंटेनेंस। विक्रम बना हमारे साथ हैं, जो कि आर जे सी के फाउंडर मेंबर भी हैं और आर जे सी को इस लेवल तक पहुंचाने वाले भी हैं। मुझे जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा नॉलेज है नहीं विंटेज गाड़ियों की, बट विक्रम बना इसके मास्टर हैं, तो आगे अब जितनी भी गाड़ियां आई हुई हैं उन सब के बारे में बताएंगे हमारे विक्रम बना। जय हिंद बना। जय हिंद। हाँ जी बना, स्टार्ट करते हैं मेड इन इंडिया से, जो भारत में बनी हुई है महिंद्रा। ये है महिंद्रा CJ3 भी, इससे पहले आती थी विलीज CJ3। 1969 के बाद विलीज को टेक ओवर कर लिया था महिंद्रा ने, और उसके बाद जो जीप्स बनी वो महिंद्रा ने बनाई। महिंद्रा CJ3 भी आई, CJ3 भी के बाद में 540 आई, 540 के बाद में 550 आई, 550 के बाद में थार आई, थार का अपडेट होता गया, तो इसके बेसिस पे CJ3 भी थी, इसके बेसिस पे 540 आई, 540 के 550, देन फिर आई थार। मतलब ये है थार के दादाजी। तो थार यहीं से स्टार्ट हुई है, और इससे पहले आती थी विलीज की CJ3। अगर आप इसमें मॉडल देखेंगे दोनों मॉडल सेम है, इससे पहले विलीज में आता था, आप देखेंगे उसको राइट में लिखा गया विलीज और ये विलीज लिखा हुआ है। 1969 से पहले तक विलीज सेल करती थी, उसके बाद में ये महिंद्रा सेल करने लगी थी। ये शायद लो बोनेट विलीज कहलाती है, इसको बोलते हैं CJ3। 1949 से 1952 तक ये आई थी, देन 53 के बाद में CJ3 भी आई। ये भी CJ3 भी है, आप देखेंगे जीप्स CJ3 भी है। 1949 से 1952 तक आई थी, सेम CJ3 है। ये भी 1949 से 52 वाली CJ3 भी है, बस इसके अंदर ये है, ये आपकी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, पेट्रोल इंजन है, दोनों मॉडल सेम है। ये राइट हैंड में कन्वर्ट हो गई है, अभी तक स्टिल ओरिजिनल है। बना ये गाड़ी कुछ देखी देखी से लग रही है, मुझे इसका कुछ बताओ खास। इस गाड़ी का खास ये है, ये स्प्लिट सोला में आई थी और उसको सनी लियोनी और रणवीर ने ड्राइव की थी, और सनी लियोनी की पेज पे भी आप देखोगे तो ये गाड़ी दिख जाएगी आपको, और सनी लियोनी के बाद मेरी फेवरेट गाड़ी है आज तक। मैं इसकी फोटो अभी अपलोड करता हूँ, और अपने पूरी सनी लियोनी के पास थी, सुबह से शाम तक सनी लियोनी और रणवीर ने ये ड्राइव की थी। आई एम बिग फैन ऑफ रणविजय, ये गाड़ी मैं अपने पेज पे भी लगाता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे इसको देख सकते हैं। ये 1942 में लॉन्च हुई थी, 1942 से लेकर 1945 तक आई थी, ये 4GBW। तो जीप जो आई थी सबसे पहले आई थी 1941 में, इसका नाम था विलीज MB। 41 में आई थी विलीज MB, ट्रिगो तब 42 के अंदर फोर्ड ने ले ली थी, देन 42 से 45 तक GPW फोर्ड ने आई थी, और 41 के अंदर ये तो बनाई गई थी मिलिट्री के लिए, बनाई गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। लैंड रोवर है ये तो, है ना बना? हाँ जी, ये लैंड रोवर है, लैंड रोवर की सीरीज 1, इससे लैंड रोवर स्टार्ट हुई थी। इस गाड़ी की खासियत हमारे लिए ये है कि RJ14 जयपुर का आता ही है, तो उसका नंबर भी आप देखोगे तो पुरानी सीरीज के अंदर अभी भी 14 पर है। इसके मालिक को भी बुलाया जाए बना, मालिक भी मुझे पता है साथ में है, मालिक बुलाया जाए और मालिक गाड़ी के बारे में बताया जाए। ये 49 मॉडल है, और ये हमारे नवाब परिवार की रियासत से है, ये टोंक से है, हम लोग यहाँ इसको लेकर आए हैं आज। ये RJC का प्राउड है, RJC का क्राउन है। जी जी जी, विंटेज फोर व्हील ड्राइव है ना बनाइए? हाँ, ये फोर व्हील ड्राइव है। इसकी स्टेपनी जो थी वो यहाँ आया करती थी, बट वो भी हटी हुई है, क्योंकि आजकल क्या है विजन देखने में प्रॉब्लम आती है, कि पहले से स्टेपनी यहाँ आया करती थी। ओके, अभी ऊपर लगा दिया अपन ने। ऊपर लगा। ये गाड़ी कुछ अलग दिख रही है बना, है ना? ये गाड़ी मैं सब कुछ ओरिजिनल है, और ये गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, जैसी कंपनी से आई थी आज तक बिल्कुल ओरिजिनली वैसी रखी है ओनली, और बाकी अभी तक पूरी ओरिजिनल है, वही इंजन है इसका, वही गेयरबॉक्स है, सब कुछ वही है, बस इसको वापस रिस्टोर कर दिया, और इस पर जो पेंट जो दिया है वो भी ओरिजिनल शेड कार्ड का था, वही दिया सिविलियन के अंदर जो रिलीज आई थी उसमें यही कलर आया था। इसके मीटर्स हो गया, हैंड ब्रेक हो गया, डेटा प्लेट्स हो गई, सब कुछ इसके अंदर ओरिजिनल है। आप इसका अगर लाइट का स्विच देखेंगे, लाइट का स्विच भी इसमें ओरिजिनल है, इसमें हर चीज़ इसमें ओरिजिनल रखी है अभी तक, और स्टिल अभी भी पेट्रोल रनिंग इंजन, हरिकन इंजन आता था 3+1 गियरबॉक्स के साथ में, उसी पर हरिकन पेट्रोल पे ही अभी भी रन करता है। बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही मुश्किल काम है ओरिजिनल कंडीशन में आज तक गाड़ी को मेंटेन रखना, और ये इसके ऑनर है हिम्मत जी जो इसको आज तक मेंटेन करके चल रहे हैं। ये था अपना आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने इंट्रो लिया फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ, आउट्रो लिया अपने कुछ विंटेज विलीज और जीप्स के साथ में, एंड जस्ट ज़्यादा कुछ था नहीं आज दिखाने को या करने को। सो आज का वीडियो अब अपन यहीं पर ही एंड करते हैं। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बिकॉज मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.